केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले गुना क्षेत्र के सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों पर पार्टी के सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थक पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं और वे गुटबाजी कर रहे हैं। सांसद केपी यादव ने लिखा है कि प्रोटोकॉल के विपरीत उन्हें स्थानीय कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम शिलालेख में भी नाम नहीं दिया जा रहा है। पत्र के वायरल होने के बाद से प्रदेश की सियासत में उबाल है। सांसद केपी यादव ने पत्र में लिखा है कि खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों का बहिष्कार करते हैं। वहीं तीन जिलों के अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते। इन सब बातों को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ता न केवल परेशान हैं बल्कि निराश भी हैं। इससे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। कभी सिंधिया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने वाले केपी यादव का राजनीतिक करियर ऐसे घूमा कि उन्होंने सिंधिया को ही गुना से हराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए तब भी बीजेपी के एक खेमे में असंतोष देखने को मिला था। बहरहाल देखना ये होगा कि सिंधिया वर्सेस यादव के इस मामले को बीजेपी हाईकमान किस तरह सुलझाता है।